सर बहुत अति हो गई गायब। अब अगर ऐसा हुआ पंचायत मुख्यालय पे ताला लगाएंगे, और अगर कोई डॉक्टर या कई पशु चिकित्सालय में तोड़फोड़ चालू हो गई, आक्रोश हुआ, तो फिर जिसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासनिक अधिकारी होंगे। बर्खास्त करिए सर डॉक्टरों को। अगर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस पूरा मतदाताओं पे है, वो धन और पशु मतदाता नहीं है तो उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा, और संवेदनशीलता तो कहीं से भी नहीं है, किसी भी स्तर पे नहीं है, तो कम से कम उनके लिए तो नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई डॉक्टरों को कह नहीं रहे, कोई उनके खिलाफ कोई आप आदेश पारित नहीं कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं है डॉक्टर को। बेचारा वो गांव का आदमी ये गए है ना कि अपने स्तर पे काम करिए, आप हमारे हड़ताल पे, एक आदमी गया उसे तेल गया, इसके पैसे मांगे जा रहे हैं क्या? डॉक्टर जो सरकार पैसा दे रही वो पैसा कम पड़ गया है क्या? हमें हमारे में से किसी की गाय है नहीं है, लेकिन आम आदमी जो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, आपकी चौखट तक नहीं पहुंचता, वो घर पे बैठ के रो रहा है, वो तकलीफ में। अगर किसी पड़ोस की गाय स्थिति ये हो गई जैसे कोरोना हुआ है ना, कि यार उस आदमी को कोरोना आ गया, मैं उसे भी नहीं मिलूं, ये की स्थिति पशुधन में हो रहा है कि पड़ोसी की गाय अगर बीमार होगी तो वो उसे मिलने नहीं जा रहा कि यार मैं मिलने गया, मेरी गाय को बाहर छोड़ा, मेरी गाय को हो जाती, कोई सुनवाई नहीं रही। सुनवाई का क्या है, कैसे सुनवाई होगी? सब गाय सब पशुधन मर जाएगा, किसान आत्महत्या करने लग जाएगा, तब सुनवाई होगी हमारी? जवाब तो दो एडीएम साहब, अभी ये जो गए ना इनको जवाब क्या, वो संदीप गौतम बैठा हुआ वहाँ पे, उसने ये जवाब दिया इनको कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने स्तर से कीजिए। तो जब ये अभी विधायक फंड से 10 लाख रुपए दिए, किसके लिए दिए? क्या उनके खाने के लिए दिए क्या? गौ माता के लिए नहीं करेंगे क्या? इनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? फिर मैंने एसडीएम साहब को फोन किया, तो एसडीएम साहब ने मैंने उनको बोला कि आपके पास नहीं है क्या ऐसी कोई व्यवस्था? तो उन्होंने बोला नहीं, क्यों नहीं है, अभी हम भेजते हैं। फिर उसके बाद उनको फोन किया, ये वापस गए वहाँ पे, तो उनका इनके सामने हाथ जोड़े कि आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो उनको? ठीक है, अभी गए ये जिला ये नाम क्या बता रहे हैं? नाम लेके बता रहे हो डॉक्टर का? संदीप कौन सा डॉक्टर ये बात कर रहा है? किसने पैसे मांगे? जब जरूरत है डॉक्टर की, पशु चिकित्सा की जरूरत कब पड़ती है? बीमारी फैलती तभी जरूरत पड़ती है, रूटीन में पशु चिकित्सा कोई काम नहीं है। डॉक्टर्स की तभी पशु बीमारी होती है, सामान्य में तो फिर भी ठीक है, लेकिन पशु चिकित्सा को जब इस प्रकार की बीमारी फैलती है, टीके की जरूरत है, जब बीमारी फैल रही तब वो हड़ताल पे चले गए। गो माता पे अत्याचार नहीं सहेंगे, ये तो बात नहीं, हमारे सरकार तो कम से कम लगाए, हमारी भावना है सरकार तक पहुंचे। सर आपकी भावना हमने सरकार तक एक बार पहुंचा दी, हमारे दोबारा पहुंचा देंगे, आज सुबह भी तो जा रहा हूँ 24 घंटे में रेस में लगाओ तो पता चले, बर्खास्त करो उनको, नई टीम खड़ी करो, ये तरीका नहीं होता, ये मानवता नहीं होती सर, ये मानवता वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे टाइम पे तो नहीं जाना चाहिए, गरीब किसान की अगर 20-35 हज़ार की गाय मर रही है ना सर, इसे मोटर पे सब जा रहा है डॉक्टर को सर, वो 200-300 रुपए देने में पसीना आ जाता है, उसकी गाय अगर मर जाती है ना उसकी स्थिति बड़ी विकट होती है, क्योंकि गांव में हम रहते हैं, हमें पता है गाय बीमार होने पे घर के मेंबर खाना खाना बंद कर देते हैं, और डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर इससे 5 दिन पहले 10 दिन पहले जो डॉक्टर आ रहा है इंजेक्शन लगा के, वो पानी का इंजेक्शन लगा के भी जा रहा है ना, तो भी घर का मालिक खुश है, डॉक्टर आया मेरे फोन करने पे, उसके मन में विश्वास है, आज डॉक्टर उसको जवाब दे देते, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, खाना खाना बंद हो जाता है घर में। हड़ताल इस समय डॉक्टर हड़ताल पे गए तो रेशमा क्यों नहीं लग रहा डॉक्टरों में? जेल भेजो उनको, बर्खास्त करो, उनका जरूरत क्या? पशु चिकित्सकों की सामान्य जरूरत कब पड़ती है? रोज तो पशु चिकित्सक बीमार होता है, कोई व्यक्ति डॉक्टरों के पास नहीं जाता, ऐसी महामारी में भी यदि वो इलाज नहीं करना चाहे तो ऐसे लोगों को हम टैक्स देकर तनखा किस बात की दे? बर्खास्त करो उनको सर, और आप कम से कम राशन जिले में आप उनके खिलाफ करो, जितने जानवर मर रहे उसके लिए जिम्मेदार वो गोतिया के दोषी सर। आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी आदमी के हाथ से गाय मर जाती है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, उसको जेल भेज दे, और ये डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे इस कारण से गाय मर रही है, इस बीमारी में भी डॉक्टर इलाज नहीं करते तो क्या करेंगे? दूसरा सर, न दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं, कोई गलती से कोई प्राइवेट जो व्यक्ति कोई सर्विस कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में वो यदि जाता है उसको भी वो डॉक्टर मना कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास कोई दया है, दो मेंबर ऐसे मना कर रहे हैं सर, दो मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब से बात आज ही फोन किया है, कुछ लोगों से पैसे मांगे, कुछ लोगों से पैसे मांगे, कुछ लोगों का कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप अपने स्तर पे कार्रवाई कीजिए। अगर ऐसा ही है
तो फिर बंद कर दीजिए सर ये, ताकि हमें पता चले कि गांव के लोगों को सर एक गाय का मरना उस परिवार में एक सदस्य के मरने के बराबर होता है। उसको नुकसान हो रहा है, उसकी तो कोई भरपाई तो होने वाली नहीं है। एक गाय का मरना उस सदस्य के परिवार में एक सदस्य के मरना बराबर होता है सर। अब ऐसा था इसमें जो चले गए स्ट्राइक में, ये तो अभी इसमें अपन नहीं कर सकते। नहीं क्या 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 नहीं कर सकते सर, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। आप नौकरी से निकालिए, मैं कह रहा हूँ सर, एक आदमी के बराबर तीन बेरोजगार नौकरी करने के लिए तैयार है। नोटिस तो हमको निकालो, आप नहीं भर्ती कीजिए सर। ये तो दो तरीका थोड़ी होता है, आपदा में वो अपनी वो खोजे जा रहे हैं। मैंने तुरंत बोला था 5-6 लाख रुपए जितने हमारे पास था भाई, 6 लाख रुपए की ओरल दवाइयाँ मंगा लो। ओरल मतलब अभी तक तो इंजेक्टेबल इंजेक्शन से दी जाएगी, इंजेक्शन देने की वजह से की जरूरत थी, जो सारे के सारे आपके स्ट्राइक पे चले गए। ओरल दवाई का उन्होंने ऑर्डर दिया था, कब पहुँच रही बता दो। आज शाम तक आ जाएगी पूरी सर किट बन जाएगी। ठीक है सर, ग्राम पंचायत लेवल पे किट पहुँच जाएंगी, जिसका एनिमल अफेक्टेड है उस वो वहाँ से किट ले जाएगा, समझा दिया जाएगा सर क्या देना है। ये व्यवस्था वीडियो लेवल पे रहेगी, और हम जो ग्राम पंचायत के बहुत ज्यादा अफेक्टेड है वहाँ पर सरपंच और सचिव के पास भी पूछ सकते हैं। सर सरपंच हड़ताल पे है, सचिव एक महीने से हड़ताल पे है, सरपंच भी हड़ताल पे, सचिव सरपंच हड़ताल पे, सचिव भी हड़ताल पे, कैसे काम करेंगे? ऑफिस तो खुल रहा है, वो पटवारी है वहाँ पर, जितने पटवारी वो रखेंगे। मैंने बताया ब्लॉक तो खुला है, ब्लॉक पे रखवा रहा हूँ, ब्लॉक पे कम से कम 500 फीट रखी जाएंगी। 6,500 में गई है अभी सर, 6,500 में गई है, 6,500 की मंगाई, 10 लाख तो एमएलए साहब ने वो भी फंड ऑर्डर प्लेस कर दिया, चिंता ना करो, लगातार ऑर्डर प्लेस किया। इसकी जो ऑर्डर व्यवस्था है वो वही है जो हमारे पास एक्सपीरियंस सरकारी कर्मचारी है, उन्हीं से काम कराऊंगा। ठीक है, सरकार अब बर्खास्त करे, रेशमा लगाए, वो जब लगाएगी तब लगा देगी, जिस दिन लगाएगी उस दिन गिरफ्तार भी कर लेगी। ठीक है, अभी जो ऑल्टरनेट व्यवस्था है उसमें आप लोग क्या सहयोग कर सकते हो वो बताओ। हमने ओरल दवाइयाँ मंगा दी, ठीक है, अब ओरल दवाइयाँ आज शाम तक पहुँच जाएंगी, आज रात तक हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे होगी। एक उपाय और हो सकता है, ये पवन जी है, ये गायों की सेवा, ऐसे जो सर आज ग्रुप गायों की सेवा कर रहे हैं उनको इनके जो डॉक्टर है एक बार इनको बुला के प्रशिक्षित करते हैं, छोटा मोटा ये कई इलाज ये करना सीख ये कर सकते हैं। ये करें सर, इंजेक्टेबल पहुँच गए ब्लॉक पे, नहीं हमने जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन से दवाइयाँ लगानी है ये ब्लॉक पे रखवा दिए 50-50 लगभग। अगर कोई किसान नॉर्मली आके अपने पैसे पे पहले से अपने सरकारी जो स्ट्राइक में चले जाए, प्राइवेट आदमी भी लगाना चाहे वो उस किसान से 50 करोड़ रुपए दवाई फ्री में भेज दी करा देंगे। ये व्यवस्था भी करी है इन गोलियों से, काम चल जाएगा। ये ऑल्टरनेट तो उसकी भी व्यवस्था करी है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में कोई जाता है, क्योंकि अभी गाय की स्थिति ये हो रही है कि जो किसान है और वो है तो इतना परेशान है, फिर जाने के बाद अगर ऐसा उनको जवाब मिलता है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, आप अपने स्तर से कीजिए, ठीक है ना। ये संदीप, ये आज की बात है, ये संदीप गौतम नाम का, तो आपने वहाँ संदीप गौतम कौन है वो, उसने ये जवाब दिया है आज इनको। 11 बजे पहुंचा हूँ, मेरी गाय का मेरे को लंपिंग के लक्षण दिखे थे, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, आप कोई आयुर्वेदिक इलाज कीजिए अपने स्तर पे। व्यवस्था बता दो, कितनी मेडिसिन है अपने पास अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी सर इंजेक्टेबल तो अभी अपने पास पर्याप्त है, और गोली शाम की है लगभग। ये सर मुझे पर्ची बना के दीजिए अभी। ट्रीटमेंट 6,500 की ओरल भी ला रहे हो? 6,500 की इतने इतनी तो दवाई है अपने पास, ठीक है, ये स्टॉक में है, प्लस पैसे भी हैं जो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। दूसरा देखो, दो ऑप्शन है इसमें जो आप बात करो, उनको एक बार शोकॉल नोटिस वगैरह जो भी है रेडी में जिस पैसे देना हम दे देंगे, सस्पेंड इमीडिएटली कर सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर और का उसने बोला उसको समझाती हूँ, ये जवाब कोई नहीं देगा। ठीक है, आप एक बार उसके अलावा जो आप लिस्ट बता रहे अपने साथ जो भी लोग हैं आप में से, ठीक है, वो एक बार इसके बाद डॉक्टर अरोड़ा के ऑफिस चले जाओ, इनसे मिलो। अब देखो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग हैं अब तक पे चले गए, अब तक का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सहयोग कर रहे हैं ना सर, अब तक सहयोग कर रहे हैं ना। स्थिति ये होगी जब अति हो रही है, जिनको फोन कर रहे हैं वो जवाब से नहीं मिला, अति हो रही है, ये होना चाहिए सर। जवाब उनके आ रहे हैं जो पास हो रही है सर। एक चीज और, डॉक्टरों के इनको नंबर दे दो जो ड्यूटी पे, 32 डॉक्टर है पूरे जिले में, एक बार 32 की लिस्ट भी आप में से जो भी आप इनको बता रहे हो बहुत सारी कभी आओगे लिस्ट है आपके पास, इसके आगे बार आप इनसे डॉक्टर रोड़ा से भी मिल सर। एक निवेदन है, जिनको लंबी बीमारी हो गई है उनको रखने की क्या व्यवस्था वाले मना करें, हमारे यहाँ ला सकते हैं नगर पालिका को, नगर पालिका ने कर रखी, इसी तरह हर ग्राम पंचायत को बोला आइसोलेशन सेंटर के लिए, वो अभी शुरू नहीं हुए। देखो कुछ जहाँ पर नहीं हुए वो मुझे बताओ, जैसे नगर पालिका में अभी कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका में नगर पालिका में नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है सर अभी तक,
जो बीमारी से जो गाय मर रही है उसको ऐसे ही डाल दिया जा रहा है सर, उनको घर की आगे से ये है कि उसको दफनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही डाल रहे हैं, यहाँ देखिए आप, कमल तलाई के यहाँ शमशान के पास में 3-4 गाय तो वहाँ पड़ी हुई है अभी, बिल्कुल राजावास पंचायत फतेहपुरा में 3 गायें मरी है सर, नहीं हुआ है तो आज शाम तक मैं चालू करवा दूंगा जो आपने नगर परिषद पंचायत में भी नहीं हुआ सर, कहीं पे भी नहीं हुआ। नहीं, ये तो गलत कह रहा हूँ, मैंने फोटो में बाबा पंचायत में नहीं हुआ सर, बाबा में नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते तुम 214 में नहीं हुआ। जहाँ नहीं हुई है वो बताओ, शुरू कराएंगे आप समझ गए, जहाँ नहीं हुई एक बार नोट करा देना, नहीं हुई है तो आज शाम तक शुरू कराएंगे बाबा पंचायत। एक टीम बनानी पड़ेगी सर, जहाँ भी मार्केट में घूम रही है गो माता, जिनको बीमारी चल रही है, मालिक भी बाहर छोड़ रहे हैं और बेघर भी घूम रही है, वो जिन जिनको हो गया वहाँ रखने की व्यवस्था वो जल्द चाहिए। ये जानवरों का कोविड है, समझ में आ रहा है, कोविड में क्या किया था बताओ, आइसोलेशन सेंटर बनेगा कोविड में, क्या था 6 फीट दूरी रखनी थी एक दूसरे से, यहाँ 6 फीट दूरी का मतलब आइसोलेशन, जो बीमार जानवर है उसको उठा के अपने को अलग बांधना है, उसको स्वस्थ जानवरों के साथ नहीं रखना, ठीक है। ये जानवरों का कोविड अभी आपको समझ, ठीक है, जो अपन ने कोविड में इंसानों के साथ किया था सेम प्रोसेस रिपीट करना जानवरों, ये तो सोच के परेशान हो गए ना सर जनता, ये तो किसान सोच के परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से लोग मरे यहाँ पे नहीं हुई व्यवस्था, नगर परिषद का आज शाम को चालू हो जाएगा, आक्रोश बीमारी को लेके नहीं है, आक्रोश आपकी सुविधाओं को लेके नहीं है, आक्रोश हड़ताल को लेके आक्रोश है, यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, यहाँ राजसमंद में तो नहीं हो रहा सर, यहाँ शहर में लोकल कल हुआ था भाई एक दो जगह, बाकी तो अभी पूरे शहर में तो नहीं हुआ, या तो सर वो दवाई ग्रामीणों में थोड़ा ज्यादा एक घाय पे एक पूरा परिवार निर्भर है सर, गाँव में SFC जो है SFC मदर ग्राम पंचायत का, उसमें अनुमति कर दिया सरकार ने, स्प्रे मेडिसिन वो भी खरीद सकते हैं, उनको सबको दिशा निर्देश देने की खरीदो और स्प्रे करो, ठीक है, जहाँ जहाँ नहीं करवाया वहाँ मुझे एक बार सील में करता, आपने जैसे नाम बताया एक बार नाम नोट करा देना इनको, अभी सीओ साहब आ रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके स्प्रे तो करेंगे शाम तक, जैसे ये तो देर बड़ा कितनी टीम लगा रखी सर, आसमन में कितनी टीम लगा रखी है स्प्रे के लिए, देखो स्प्रे ये नहीं कर रहे मैं अभी बता रहा हूँ, ये सिर्फ 32 डॉक्टर है, अगर ये स्प्रे करेंगे तो इलाज कौन करेगा, नहीं मैं मैंने काम दिया सर, स्प्रे संबंधित नगर परिषद नगर पालिका या ग्राम पंचायत स्प्रे इनको नहीं करवाऊंगा, ये करवाएंगे तो क्या होगा कि डॉक्टर को स्प्रे में लगा दिया दवाई कौन करता, स्प्रे तो हम ही कर देंगे आप तो भेजे दवाई ग्राम पंचायत पहुंचेगी, ब्लॉक लेवल स्प्रे नहीं खाने वाली नहीं, स्प्रे की भी जो है नहीं सर, स्प्रे ग्राम पंचायतों को कराना नहीं, नहीं तो वो सर वो ग्राम पंचायतों के सर लोगों के पास सर वो स्प्रे करने की मशीन है वो भी कर देते हैं सर, दवाई उपलब्ध हो जाए कर लेंगे सर, दवाई सेंट्रली प्रोक्योर करनी थी पानी से, ACO साहब से मैंने बात करी थी, जैसे कोविड में करी थी वही सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सेम स्प्रे, दूसरा नहीं होगा साइपरमेथ्रिन नहीं सकते, तो ही अपने डॉक्टर वहाँ पे आ रहे हैं, सचिव आपके एक महीने से हड़ताल पे, पंचायत के काम नहीं हो रहे हैं, और गांव के जो गरीब बेचारे छोटे मोटे कोई उसमें कोई वो कराना हो तो वो जाएगा, सचिव को फोन करो वो कहता हमारे तो आईडी ब्लॉक है हम लगा नहीं सकते उसमें, डॉक्टर को मैं कह रहा ऐसे बदमाश डॉक्टरों का बर्खास्त क्यों नहीं करते, नए बेरोजगार घूम रहे कम से कम उनको नौकरी दो, वो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे, आप 30-30 हजार में 15-15 हजार में नए डॉक्टर काम करने के लिए तैयार बैठे हैं उनको मौका दो, एक आदमी की गरीब किसान की अगर एक घाय मरती है ना साहब नहीं लाने में उसको पसीना आ जाता है, साधन हो गए ट्रैक्टरों से आगे कर रहा है, बेल की जरूरत नहीं लेकिन घायों की जरूरत है उस आदमी को, और वो सोशल मीडिया पे इस लंबी बीमारी को देख देख के वो खुद इतने सदमे में आ गया है कि अगर किसी की गाय बीमार नहीं भी हो रही हो तो
तो भी उसको इतना भारी सदमा है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और उसको वो या पानी पिलाने के लिए बाहर लेके नहीं जा रहा, उसको बेचारे को घर पे बैठा के पानी पिला रहा है, और गाय मर रही, घावों में मरने लगी गाय, और डॉक्टर कोई आ नहीं रहे। अभी हमारे एक मोहन जी गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा हम हड़ताल पे हैं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप अपने स्तर पे काम करिए। ये आए इनसे पैसे मांग रहे तेल के, और उसमें एक सबसे बड़ा इसमें ये भी हो रहा है सर, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा। देखो जो प्राइवेट आदमी अगर सेवा करना चाह रहा गोवंश की, उसका भी वो लोग विरोध कर रहे हैं।